आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां जुआरी और सटोरियों पर कसा जा रहा है नकेल, फिर भी इलाके में सज रही है जुए की महफिल। ताश के पत्तों की क्वीन आगरा की महिला लगवा रही है दाव पे दाव। महिला पुलिस को दे रही है बड़ी चुनौती। जुआरियों का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जुआरियों और सटोरियों पर कसा जा रहा है नकेल, जहां फिर भी इलाके में सज रही है जुए की महफिल। ताश के पत्तों की क्वीन आगरा की महिला सीएम योगी आदित्यनाथ का सीतापुर दौरा है कल, विभिन्न योजनाओं का करेंगे लोकार्पण। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी जनसभा को करेंगे संबोधित। लहरपुर विधानसभा के सूर्यकुंड में होगा ये पूरा आयोजन। सीएम योगी आदित्यनाथ का सीतापुर दौरा है कल, विभिन्न योजनाओं का करेंगे लोकार्पण। जहां सीएम योगी जनसभा को करेंगे संबोधित, लहरपुर विधानसभा के सूर्यकुंड में होगा ये पूरा कार्यक्रम। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ कल पहुंचेंगे, विभिन्न योजनाओं का करेंगे लोकार्पण। सीएम योगी जनसभा को करेंगे संबोधित, लहरपुर विधानसभा के सूर्यकुंड में होगा पूरा कार्यक्रम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ कल सीतापुर पहुंचेंगे, जहां सीएम योगी जनसभा को संबोधित करेंगे, लहरपुर विधानसभा के सूर्यकुंड में होगा ये पूरा कार्यक्रम। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कारोबारी पीयूष जैन के घर में दीवारों छिपे मिले करोड़ों रुपए। टीम ने मशीन से गिनवा कर बोरों में भरवाया कैश। बोरों में भरे कैश की फोटो हुई है लीक। बोरों में कितना कैश, इस पर अभी भी रहस्य बरकरार। छिपटी मोहल्ले में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राम रीति पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस खबर पर? जी आपको बता दें, ये पूरा ऑपरेशन चल रहा है और बोरों में भरे कैश की फोटो वायरल हो रही है। बोरों में कितना कैश है, इस पर अभी रहस्य बरकरार है। इस पर अभी कहा नहीं जा सकता कितना कैश है। रामरीति, अभी इस पे जिस तरीके से कैश के बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो क्या छापेमारी भी अभी भी लगातार जारी है? जी अभी लगातार छापेमारी जारी है, ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है। अगल बगल में छापेमारी हो रही है, जो पीयूष जैन का मकान है उसके पास जो मकान है उसमें भी छापेमारी हो रही है। दीवारें तोड़ी जा रही हैं और अभी जो है कैश पता नहीं लग पा रहा है कि कितना कैश मिला है। जिस तरीके से छापेमारी की जा रही है, अभी दीवार तोड़कर ही बताया जा रहा है कैश मिला है। क्या कुछ और जगहों पे भी छापेमारी की गई है और किस तरीके से कैश बरामद किया गया है? जी लगभग 8 से 10 जगह छापेमारी की गई है। इनका पीयूष जैन का जो मकान है वहां पर भी छापेमारी की गई है, इनके जो मिलने वाले हैं उनके घर भी छापेमारी की गई है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है कितना कैश मिला है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सेक्टर 58 में युवक पर चाकू मारा, जहां इलाज के दौरान युवक की हुई है मौत। शव को कंपनी के बाहर ही गेज पर रखा गया। सैकड़ों कर्मचारियों ने घेराव कर किया है हंगामा।
सुरक्षा के मद्देनजर मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि सेक्टर 98 में युवक पर चाकू से हमला किया गया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौके पर ही मौत हुई है। शव को कंपनी के बाहरी गेट पर रखा गया है, जहां सैकड़ों कर्मचारी ने घेराव कर हंगामा किया। सुरक्षा के मद्देनजर मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।